हेलो, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कितनी बार ये होता है कि किसी का एक्सेंट खराब होता है, शब्दों का उच्चारण सही नहीं होता, तो हम उसे कह देते हैं ये अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत हैं। अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं है जो आर्ग्यू करता है। जो आर्ग्यू करता है उसका कम्युनिकेशन लेवल जीरो है। जैसे कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बहुत लोगों को सर्विस पसंद आ रही है, आपको भी पता है कि आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने में कोई एक बंदा आएगा और वो बोलेगा कि तेरी सर्विस घटिया है, तू कुछ नहीं दे रहा है, सर्विस के नाम पे लूट रहा है लोगों को, ऐसा सब कुछ कहेगा। तो अगर आप उसे आर्ग्यू करेंगे और कहेंगे कि नहीं तू गलत बोल रहा है, फिर बात बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे, तो बेटर आप उसे एग्री कर जाइए और उसे आराम से पूछिए कि क्या क्या खामियां क्या है इसमें, मेरे सर्विस में। तो उसके बाद की जो बात होगी ना, उसे हम आर्ग्यू नहीं कहेंगे, उसे हम डिस्कशन कहेंगे। और जब आर्ग्यू को आप डिस्कशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कहे जाते हैं। इसके लिए आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। अभी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इस पे सबकी अलग अलग राय होगी। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ, तो कितने लोगों को ये पसंद आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है, ये उनकी राय है। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इधर उधर देख रहा है आपको, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे कम्युनिकेटर हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो सुन रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है। क्योंकि अगर वो होता तो ऐसे इधर उधर नहीं देखता, वो बीच का रास्ता निकालता। बीच का रास्ता निकालता मीन्स अगर उसे बातों में उन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बीच का रास्ता निकालता है, दैट्स मीन बातें चेंज कर देता, टॉपिक चेंज कर देता वो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करता कि उसे इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो भी बहुत ही बुरा कम्युनिकेटर है, ना कि सिर्फ आप। आज हम किसी के ऊपर अपना विचार थोपना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं उसको विचार। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है, या फिर कोई सामने से हमसे बात कर रहा है, हम उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं और हमें लगता है कि हम बातों को समझ चुके हैं। लेकिन बातें समझना और चीज़ें समझना इतना आसान नहीं होता जितना कि हम चाहते हैं, जितना कि हम सोचते हैं। कितनी दफ़ा आपके साथ ये होता होगा कि सामने वाला बोल कुछ और रहा है, उसका इंटेंशन कुछ और है और हम उसे नहीं समझ पाते और इसको लेके झगड़ा हो जाता है, चाहे कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे कि हमारे दोस्तों में भी, और जब आप फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कितने आपके दोस्तों को गाली देने की आदत होगी, लेकिन आप उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते जब वो आपको गाली देता है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, उसका इंटेंशन गलत नहीं है। और बहुत वक्त यही होता है कि हम लोगों के इंटेंशन को नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसकी बातें ख़त्म करने के बाद हमें एक पॉज लेना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या उसने यही कहा, और फिर जाके उसे अपनी प्रतिक्रिया दो, उसे अपनी रिप्लाई दो। ये एक गुड कम्युनिकेटर की पहचान होती है कि चीज़ें समझो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। इतनी भी आसान नहीं होती चीज़ें समझना, मैं ये एक बार फिर से दोहरा दिया हूँ। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।